इन टुडेज क्लास विल बी स्टार्टिंग विद द लीनियर मेजरमेंट. आज की क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में, लीनियर मेजरमेंट के बारे में. क्या होती है लीनियर मेजरमेंट? लीनियर मेजरमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द चेन सर्वेइंग. लीनियर मेजरमेंट आप किससे निकाल सकते हो? चेन सर्वेइंग से निकाल सकते हो. इन विच चेन और टेप इज यूज, जिसमें हम क्या यूज करते हैं? चेन और टेप को. सो लीनियर मेजरमेंट करने के लिए हम चेन सर्वेइंग करते हैं. चेन सर्वेइंग में हम चेन और टेप को यूज कर सकते हैं. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द चेन ऑल्सो, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ टेप ऑल्सो. ये सूटेबल किसके लिए होती है? इट इज सूटेबल फॉर द स्मॉल ओपन एरिया विद फ्यू सिंपल डिटेल. तो चेन सर्वेइंग या लीनियर मेजरमेंट सूट कर जाती है छोटे ओपन एरिया के लिए, जिसमें डिटेल्स क्या हो, कंपैरेटिवली सिंपल हो. अब डिटेल कैसे क्लासिफाई कर सकते हो आप? हाउ यू कैन क्लासिफाई द डिटेल? डिटेल को मैंने चार कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है: हार्ड डिटेल, सॉफ्ट डिटेल, ओवरहेड डिटेल, अंडरग्राउंड डिटेल. सो डिटेल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरी: हार्ड डिटेल, देन सॉफ्ट डिटेल, देन ओवरहेड डिटेल, देन अंडरग्राउंड डिटेल. तो चार कैटेगरी में हमारी डिटेल क्लासिफाइड है. फर्क क्या है इसके अंदर? हार्ड डिटेल. हार्ड डिटेल का मतलब क्या होता है? रिजिड हो कोई चीज, जैसे एग्जांपल बिल्डिंग हो गई, जैसे एग्जांपल रोड हो गई, जैसे एग्जांपल वॉल हो गई. तो अगर आपके पास बिल्डिंग, रोड, वॉल अवेलेबल है, जहां पर भी आप लीनियर मेजरमेंट कर रहे हो, यू कैन गो फॉर चेन सर्वेइंग. आप चेन सर्वेइंग कर सकते हो. और अगर हार्ड डिटेल नहीं है, सॉफ्ट डिटेल यूज कर लो. सॉफ्ट डिटेल जैसे रिवर और ट्री. अभी रिवर और ट्री है, इनकी जगह फिक्स नहीं रहती. रिवर में मेंडरिंग हो सकती है, ट्री आज यहां पर है, हो सकता नहीं हो, हो सकता नहीं हो, तो पॉसिबिलिटी है कि कल के टाइम पे आप उसको काट दो. तो इसको हम सॉफ्ट डिटेल बोलते हैं. फिर होती है हमारी ओवरहेड डिटेल. ओवरहेड डिटेल जैसे फोन की लाइन, जैसे पावर की लाइन. अंडरग्राउंड डिटेल जैसे जैसे पानी की पाइप, जैसे सीवर की पाइप, इसको हम अंडरग्राउंड डिटेल बोलते हैं. तो चेन सर्वेइंग या लीनियर मेजरमेंट सूट कर जाता है छोटे ओपन एरिया के लिए, जहां पर डिटेल्स अवेलेबल हो. डिटेल हमारी हार्ड डिटेल भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है, ओवरहेड भी हो सकती है, और अंडरग्राउंड भी हो सकती है. तो पहला पॉइंट तो हमने क्या डिस्कस किया कि लीनियर मेजरमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग व्हाट? लीनियर मेजरमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग चेन सर्वे. क्लियर है चीज? चलो, कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग चेन सर्वे. यहाँ पर भी डाउट पढ़ने पड़ेंगे. हमारी जगह सिलेक्शन मत लेना. हाँ, फिर सिलेक्शन भी मैं ले जाऊँगा तुम्हारी जगह. ये देखो, ये बोल रहा है हमारी जगह सिलेक्शन मत लेना, तो सिलेक्शन भी ले जाएंगे भाई तुम्हारी जगह, जब सारा काम मैं ही कर दूंगा तो. चलो आगे बढ़ते हैं. अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? चेन सर्वेइंग में हम करते क्या है? चेन सर्वेइंग कंसिस्ट ऑफ मेजरिंग द लेंथ ऑफ सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइंस. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चेन सर्वेइंग में आपको क्या मेजर करना है? लेंथ मेजर करना है. किसका? सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइंस का. तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपकी नंबर ऑफ लाइंस होगी. इन लाइंस की आपको क्या मेजरमेंट करनी है? लेंथ मेजर करनी है. किसकी मदद से? चेन की मदद से. और क्या करना है? फिर डिटेल्स को लोकेट करना है ग्राउंड पे, रिलेटिव टू दीज लाइंस. तो चेन सर्वेइंग में हम सीरीज ऑफ लाइंस की लंबाई को मेजर करेंगे, और ग्राउंड के ऊपर हम डिटेल को लोकेट करेंगे इन लाइंस की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दीज लाइंस. ये हमारा बेसिक पर्पस होता है चेन सर्वेइंग के अंदर. फिर हमें यह भी पता है कि अगर किसी भी पॉइंट को आपको लोकेट करना है ग्राउंड के ऊपर, उसकी मेजरमेंट कहां से लेनी है आपको? कम से कम दो पॉइंटों से लेनी है. ये आपको मैंने बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग बताया था. वर्क करते हैं होल टू पार्ट, और लोकेट करने के लिए किसी भी पॉइंट को दो रीडिंग लेनी पड़ेगी आपको. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? द डिटेल्स आर लोकेटेड बाय मेजरिंग टू अदर लाइंस. तो चेन सर्वेइंग की बात कर रहे हो, तो आप डिटेल कैसे लोकेट करोगे? दो और लाइन की मदद से. जैसे एग्जांपल, मुझे ये सी पॉइंट लोकेट करना है. अगर मुझे सी पॉइंट लोकेट करना है, आपने ए बी लाइन को मेजर कर रखा है चेन सर्वेइंग के अंदर, दैट इज बीइंग मेजर्ड. तो सी की लोकेशन बी से भी मार्क करोगे, ए से भी मार्क करोगे, और बी सी और ए सी को मेजर करोगे किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ द चेन. तो जो डिटेल है वो आपने लोकेट करी ग्राउंड के ऊपर विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ द बेसलाइन. कैसे? लेंथ मेजर करके. इसकी जगह आप और किसको मेजर कर सकते हो? इसकी जगह आप मेजर कर सकते हो ऑफसेट लाइन को भी. तो एक और तरीका है इसको मेजर करने का. तो बेस लाइन से अगर आपको सी पॉइंट मार्क करना है, आप क्या मेजर कर लो? ऑफसेट मेजर कर लो. ऑफसेट मेजर कर लो. इस बार आपको एक ही लेंथ मेजर करनी है, एक ही लेंथ मेजर करनी है, पर साथ में और क्या आ जाएगा? एंगल भी आ जाएगा. आप ऑफसेट 90 डिग्री पे भी ले सकते हो, आप ऑफसेट किसी और एंगल पे भी ले सकते हो. ऑफसेट कैसे लेते हैं अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, कौन से डिवाइस की मदद से ऑफसेट लिया जाता है. तो चेन सर्वेइंग में हम क्या करेंगे? सीरीज ऑफ लाइंस की लेंथ को मेजर करेंगे. फिर आप क्या करोगे? फिर आप डिटेल्स को लोकेट करोगे ग्राउंड के ऊपर रिलेटिव टू दीज लाइंस. डिटेल लोकेट करने के लिए आप दूसरी दो लाइनें यूज करोगे, जिसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? टाई लाइंस बोलते हैं. या आप ऑफसेट को भी यूज कर सकते हो. तो ये लाइनें क्या कहलाएंगे? दीज टू लाइंस आर टर्म्ड एज टाई लाइंस, एंड दिस लाइन इज टर्म्ड एज ऑफसेट. जब आप ऑफसेट मेजर कर रहे हो, साथ में और किसकी जरूरत पड़ेगी? साथ में आपको एंगल की भी जरूरत पड़ेगी. यू विल नीड द एंगल ऑल्सो.
ऑफसेट लाइन प्लस एंगल, बिल्कुल सही बात है राजू यादव, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो सेकंड वाला था विद रेफरेंस टू द टू पॉइंट्स, वन लेंथ वन एंगल, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ये बेसिक जानकारी थी आपको, दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट चेन सर्वे. चलो अब और चीज़ों की भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास. देखो ये पूरा, ये आपको सर्वे का एरिया दिखा रखा है बोर्ड के ऊपर, ये आपको सर्वे का एरिया दिखा रखा है बोर्ड के ऊपर. अब जो सर्वे का एरिया है आपके बोर्ड के ऊपर, अब मुझे इसकी एनालिसिस करनी है, आई हैव टू डू द एनालिसिस ऑफ दिस. मुझे यहाँ पर क्या क्या पता होना चाहिए, मुझे यहाँ पे सबसे पहली चीज़ पता होनी चाहिए मेन स्टेशन. जो सर्वे का एरिया है मुझे यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, मेन स्टेशन पता होना चाहिए. अब ये मेन स्टेशन क्या होते हैं, मेन स्टेशन आर द पॉइंट्स इन द चेन सर्वे वेयर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल मीट. मेन स्टेशन वो पॉइंट होते हैं चेन सर्विंग में जहाँ पे ट्राइंगल की दो साइड आके मिलती है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेन स्टेशन वो पॉइंट होते हैं चेन सर्विंग में जहाँ पे ट्राइंगल की दो साइड आके मीट करती हैं. पर्पस क्या होता है मेन स्टेशन का, पर्पस होता है मेन स्टेशन का सर्विंग की बाउंड्री को मार्क करना. तो अभी जो मैंने आपको सर्वे का एरिया दिखा रखा है, यहाँ पे हमारे मेन स्टेशन क्या है, हमारे मेन स्टेशन है बी, मेन स्टेशन है सी, मेन स्टेशन है ए, मेन स्टेशन है डी. तो पहली चीज जो मुझे पता होनी चाहिए वो क्या है, मेन स्टेशन. तो मेन स्टेशन कौन से पॉइंट है, मेन स्टेशन वो पॉइंट है चेन सर्विंग के अंदर वेयर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मीट. जरा चेक कर लो, दो साइड मिल रही है ट्रायंगल की आके, दो साइड मिल रही है ट्रायंगल की आके. और ये क्या कर रहे हैं, ये सर्वे एरिया की बाउंड्री को लोकेट कर देते हैं. चार एग्जाम्पल है मेरे पास बोर्ड के ऊपर, ए बी सी डी हमारे क्या है, मेन स्टेशन है. दूसरा टाई और सब्सिडरी स्टेशन. अब ये क्या होता है टाई और सब्सिडरी स्टेशन, इट इज द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू मेन स्टेशन. दो मेन स्टेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर अगर कोई स्टेशन हुआ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, टाई स्टेशन बोल देता हूँ या सब्सिडरी स्टेशन बोल देता हूँ. अब इनका पर्पस क्या होता है, इनका पर्पस होता है इंटीरियर डिटेल को लोकेट करना. सो पर्पस ऑफ द टाई और सब्सिडरी स्टेशन इज टू लोकेट द इंटीरियर डिटेल ऑफ द एरिया. इस बात को समझने के लिए फिर से हमारा डायग्राम उठाते हैं. देखो दो मेन स्टेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर आपने जो स्टेशन लिया, इसको मैं क्या बोलूंगा, टाई स्टेशन. दो मेन स्टेशन को ज्वाइन करने वाली पॉइंट के ऊपर आपने स्टेशन लिया, इसको हम क्या बोल देंगे, टाई स्टेशन. दो मेन स्टेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर आपने जो स्टेशन लिया, इसको हम क्या बोल देंगे, टाई स्टेशन. दो मेन इसके ऊपर है ही नहीं तो अच्छी बात है, फॉरगेट इट. दो मेन स्टेशन नहीं है, दो मेन स्टेशन ठीक है, तो इसका मतलब ई एफ जी हमारे क्या बन गए, ई एफ जी हमारे क्या बन गए, तो ई है एफ है जी है. सो दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट, इसको हम टेक्निकली क्या बोल देंगे, टाई स्टेशन बोल देंगे. एक और भी पॉइंट है, देखो दो मेन स्टेशन को ज्वाइन करने वाले पॉइंट के ऊपर अगर हम पॉइंट कंसीडर करें, ये क्या कहलाएंगे, टाई स्टेशन कहलाएंगे. तो इसका मतलब ई एफ जी एच आई ये सारे के सारे क्या है, इसको फिर आप एक नाम दे दो आई जे, इसको नाम दे दिया जे. तो ई एफ जी एच आई जे ये सारे के सारे क्या है, टाई स्टेशन है. तो चार मेन स्टेशन थे मेरे डायग्राम में और बाकी सारे क्या आ गए, टाई स्टेशन आ गए. पर्पस क्या है टाई स्टेशन का, इंटीरियर डिटेल को लोकेट करना. जरा चेक करो इनकी मदद से हम इंटीरियर डिटेल कैसे लोकेट करते हैं, आई हैव टू लोकेट द इंटीरियर डिटेल, वो भी आपको डायग्राम की मदद से बताता हूँ. टाई स्टेशन ई एफ जी एच आई जे, बिल्कुल सही बात है. ए बी सी डी मेन स्टेशन है ई एफ जी, बेटा छोटा लिखो राजू यादव, आपने बड़ा लेटर लिख दिया, ई एफ जी एच आई जे छोटे लेटर लिखेंगे हम. तो ये हमारे क्या हो गए, टाई स्टेशन हो गए और सब्सिडरी स्टेशन हो गए. आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मेन सर्वे लाइन की. मेन सर्वे लाइन क्या होती है, लाइन ज्वाइनिंग दी टू मेन सर्वे स्टेशन विल बी नोन एज वॉट, मेन सर्वे लाइन. जैसे ए बी लाइन क्या कहलाएगी, मेन लाइन कहलाएगी. बी सी लाइन क्या कहलाएगी, मेन लाइन कहलाएगी. सी ए लाइन क्या कहलाएगी, मेन लाइन कहलाएगी. ए डी लाइन क्या कहलाएगी, मेन सर्वे लाइन कहलाएगी. बी डी लाइन क्या कहलाएगी, मेन सर्वे लाइन कहलाएगी. तो कितनी मेन सर्वे लाइन हो गई, यहाँ पे पांच मेन सर्वे लाइन हो गई है. देर आर फाइव मेन सर्वे लाइन्स. तो लाइन ज्वाइनिंग द मेन स्टेशन इन द सर्वे एरिया विल बी नोन एज मेन सर्वे लाइन. तो फिर टाई लाइन, सब्सिडरी लाइन या ऑक्सिलरी लाइन क्या होती है, लाइन ज्वाइनिंग द टाई स्टेशन विल बी नोन एज टाई लाइन. तो वो लाइन जो टाई स्टेशन को ज्वाइन करे या सब्सिडरी स्टेशन को ज्वाइन करे, इसे हम क्या बोल देते हैं, टाई लाइन बोल देते हैं. इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है इंटीरियर डिटेल को लोकेट करना. इस बात को समझाने के लिए जरा चेक करते हैं. देखो ई हमारा क्या था, टाई स्टेशन. एफ हमारा टाई स्टेशन. तो ई एफ मेरी कौन सी लाइन बनी, ई एफ मेरी बनी टाई लाइन, सब्सिडरी लाइन या ऑक्सिलरी लाइन. अब इस लाइन की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इंटीरियर डिटेल को लोकेट कर रहे हैं. इंटीरियर डिटेल जैसे पॉन्ड है कोई, तो मुझे पॉन्ड को लोकेट करना है, किसकी मदद से लोकेट किया, टाई लाइन की मदद से लोकेट किया.
टाई लाइन आपने दो टाई स्टेशन को जोड़ के बनाया, इसलिए हमने क्या बोला था, टाई स्टेशन का पर्पस क्या होता है, इंटीरियर डिटेल को लोकेट करना। अब जाके पीछे वाली बात खत्म होती है, क्लियर। ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक आपको ईद। चलो क्लियर है तक? तो अभी तक कौन कौन सी चीजें बताई हैं? अभी तक हमने बात करी मेन स्टेशन की, फिर हमने बात करी टाई स्टेशन की, फिर हमने बात करी मेन सर्वे लाइन की, फिर हमने बात करी टाई लाइन या ऑक्सिलरी लाइन या सब्सिडरी लाइन की। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारी बेस लाइन। अब बेस लाइन क्या होती है? द लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्वे एरिया इज नोन एज बेस लाइन। जो आपकी सबसे बड़ी मेन सर्वे लाइन हो, जो सर्वे को बांटती हुई चली जाए बीच में से, अब एग्जैक्टली तो बीच में से नहीं जाएगी पर बांटती हुई चली जाए बीच में से, इसको हम क्या बोल देंगे, बेस लाइन। जैसे मेरे केस में क्या है, ए भी हमारी बेस लाइन है, तो मैं सारे पॉइंट लिख देता हूं यहाँ पे। तो अगर मैं सारे पॉइंट लिखूं, जैसे मेन स्टेशन कौन सा है, ये तो बॉडी क्या हुआ है, क्या लिखूंगा भैया, बोल ही लेते हैं, लिखने वाला नहीं है, बोर्ड है। मेन स्टेशन कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, टाई स्टेशन ई एफ जी एच आई जे छोटे लेटर में, मेन लाइन, मेन लाइन है हमारी ए बी बी डी बी सी ए सी ए डी पांच, फिर सब्सिडरी लाइन ई एफ, देन हमारी है जी एच, देन हमारी है ई एफ हो गई जी एच हो गई, दो ही है और है हमारी डी आई, जैसे तबर सब्सिडरी लाइन। फिर हमने बात करी बेस लाइन, सबसे बड़ी मेन सर्वे लाइन, सबसे बड़ी मेन सर्वे लाइन ए बी, जो सर्वे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दे। ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्वे लाइन होती है, क्यों? क्योंकि बाकी सारी जो सर्वे लाइन है वो फिक्स होती है इसी के बेसिस पे। इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वे लाइन, रीजन बींग रेस्ट ऑल दी सर्वे लाइन आर बींग एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ और फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ मेन सर्वे लाइन। ये फिक्स हम करते हैं मेन सर्वे लाइन के बेसिस पे। अप्रोक्सीमेटली डिवाइड इनटू एरिया टू हाफ, बिल्कुल सही बात है। लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन यहाँ पे भी देख लेते हैं भैया, कोई डाउट यहाँ पर भी आते रहते हैं। इज इट करेक्ट स्टेटमेंट बेस लाइन इज द लाइन व्हिच डिवाइड द होल एरिया इनटू टू इक्वल हाफ, गलत स्टेटमेंट है भैया, टू इक्वल हाफ में क्यों करेगी, वाई टू इक्वल हाफ, टू हाफ जरूरी नहीं है इक्वल हो, सो नॉट नेसेसरी इट शुड बी इक्वल, जरूरी नहीं है वो हमेशा बराबर हो। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑफ द लाइन इज व्हाट, चेक लाइन और प्रूफ लाइन। अब चेक लाइन और प्रूफ लाइन क्या होता है? It is provided to check the accuracy of the field work. It is provided to check the accuracy of the field work. आपका field work accurate है या नहीं है, इस बात को check करने के लिए हम क्या provide करते हैं? Check line या proof line को provide करते हैं. Clear है चीज? ये कैसे accuracy check करती है? जो आपकी measured length है check line की और जो calculated length है check line की कागज पे, ये दोनों बराबर होने चाहिए. So calculated length of the check line on the plan and measured length of the check line in the field both should be same. अगर ये दोनों सेम आ गई तो आपका सर्वे क्या है, एक्यूरेट है। अब चेक लाइन कौन सी हमारी यहाँ पे, जरा चेक करो चेक लाइन को, अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे तो चेक लाइन, अगर हम चेक करें चेक लाइन को, अगर मैं चेक करूँ ये रही चेक लाइन सी जी, तो सी जी हमारी चेक लाइन है, सो दिस इज अवर चेक लाइन। देन डी आई, डी आई हमारी क्या है, चेक लाइन है, तो दो चेक लाइन है, सी जी और डी आई आर टू चेक लाइन। ये दो चेक लाइन हमने क्यों बनाई, ये चेक करने के लिए कि आपका सर्वे एक्यूरेट है या नहीं है, वेदर योर सर्वे इज एक्यूरेट और नॉट, सी जी और एच आई, बिल्कुल सही बात है। बढ़िया तो दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है, अच्छा लिखने में इशू है बस, कर दो पूरा, दो चेक लाइन है, जरा टू चेक लाइन्स, तो दो चेक लाइन आ गई हमारी, क्लियर है, चले आगे। चलो अगली चीज जो हमें पता होनी चाहिए, अगली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है ऑफसेट। अब ऑफसेट क्या होता है, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज ऑफसेट, ऑफसेट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्वे लाइन, ऑफसेट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्वे लाइन, इट मे बी परपेंडिकुलर इट मे बी ऑब्लिक। अब ये मत बोलना ऑफसेट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, नहीं, जरा चेक करो, ऑफसेट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्वे लाइन, हमारे ऑब्जेक्ट की दूरी सर्वे लाइन से क्या कहलाती है, ऑफसेट कहलाती है। ये कैसा है, परपेंडिकुलर ऑफसेट है। जरा दूसरा देखो, हमारे ऑब्जेक्ट बिल्डिंग है, बिल्डिंग की दूरी सर्वे लाइन से क्या कहलाती है, ऑफसेट कहलाती है। इस बार कैसा है, ये ऑब्लिक है, इसका मतलब आप बोल सकते हो 1 2 और 1 3 क्या कहलाएंगे, ऑफसेट कहलाएंगे। यू कैन से 1 2 एंड 1 3 आर ऑफसेट हियर।
तो चेन सर्वेइंग में मुझे ये सारी बातें पता होनी चाहिए, आई शुड नो ऑल दीज पॉइंट्स। स्मार्ट बोर्ड की अपडेट हुआ क्या? हमें भी ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है सर, ज्वाइन कर देंगे, बस अब पढ़ लो, ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ऑफसेट का मतलब? किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी सर्वे लाइन से ऑफसेट कहलाती है। दो एग्जांपल है हमारे पास, 1-2 और 1-3। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज चेनेज। अब चेनेज का मतलब क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द मेन सर्वे लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द मेन सर्वे लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। मेन सर्वे लाइन के अलोंग जब आप दूरी मेजर करोगे, किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क में, इसको हम चेनेज बोल देंगे। ये जो चेनेज है जनरली हम यूज करते हैं किसके अंदर? लीनियर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर। अब लीनियर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कौन से होते हैं? लीनियर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जैसे रोड, तो वहां पे चेनेज की बात आती है। तो मेन सर्वे लाइन के अलोंग आप क्या मेजर करो? लंबाई मेजर करो, इसको हम क्या बोल देते हैं? चेनेज बोल देते हैं। जैसे कैनाल, कैनाल क्या है? लीनियर कंस्ट्रक्शन वर्क है। तो रोड बना रहे हो, कैनाल बना रहे हो, पाइप ले कर रहे हो, सीवर ले कर रहे हो, टनल बना रहे हो, ये सारे के सारे क्या है? लीनियर कंस्ट्रक्शन वर्क है। तो यू कैन से कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल, लेइंग ऑफ द पाइप, लेइंग ऑफ द सीवर, टनलिंग, और यू कैन से कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड। इन सब में आपको चेनेज यूज करनी पड़ेगी। चेनेज क्या होगी? ये डिस्टेंस मेजर होती है मेन सर्वे लाइन के अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। पाइप का लेआउट, पीसीसी रोड, बिल्कुल सही बात है। चैनल, चैनल ठीक है, चैनल सही है। तो ये तो मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए। कौन कौन से टर्म्स यूज किए हमने अब तक? हमने यूज किया मेन स्टेशन, टाई स्टेशन, मेन लाइन, टाई लाइन, फिर हमने बात करी बेस लाइन, फिर हमने बात करी चेक लाइन, फिर हमने बात करी ऑफसेट, फिर हमने बात करी चेनेज। क्लियर यहां तक? तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको पता होने चाहिए, सारे टेक्निकल टर्म्स बता दिए। आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू कंटिन्यू करते हैं आगे। चेक लाइन हो गई, प्रूफ लाइन हो गई, चेनेज भी हो गया, ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव डिस्कस। चलो देखो, चेन सर्वे डील्स विद ओनली लीनियर मेजरमेंट, बिल्कुल सही बात है बेटा। ये तो पहले लेक्चर में बता दिया था मैंने आपको, दिस आई हैव डिस्कस इन द फर्स्ट चैप्टर ओनली, कि चेन सर्वेइंग में सिर्फ लीनियर मेजरमेंट करते हैं। कंपास सर्वेइंग में लीनियर मेजरमेंट भी होती है और एंगुलर मेजरमेंट भी होती है। सो चेन सर्वे डील्स विद ओनली लीनियर मेजरमेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज वेल कंडीशन ट्राइंगल। अब क्या है वेल कंडीशन ट्राइंगल? इन चेन सर्वेइंग एफर्ट शुड बी मेड टू सेलेक्ट द सर्वे स्टेशंस सच दैट दे फॉर्म वेल कंडीशन ट्राइंगल। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा इसके ऊपर। अब क्या होता है वेल कंडीशन ट्राइंगल? चेन सर्वेइंग में आप मेन स्टेशंस को इस तरीके से सेलेक्ट करोगे, मेन स्टेशंस को इस तरीके से सेलेक्ट करोगे कि वो क्या बनाए? वो वेल कंडीशन ट्राइंगल बनाए। देखो मेन स्टेशन सही है ABC। अब आप बोलोगे सर वेल कंडीशन ट्राइंगल क्या होता है? व्हाट इज मीन टर्म दैट वेल कंडीशन ट्राइंगल? हम उसको भी समझ लेते हैं। वेल कंडीशन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें लाइन की इंटरसेक्शन साफ साफ हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अ ट्राइंगल इज टर्म्ड एज वेल कंडीशन ट्राइंगल इफ ऑल द इंटरसेक्शन लाइंस आर क्लियर फ्रॉम प्लॉटिंग पर्पस। अगर प्लॉटिंग पर्पस के लिए आपके लाइन की इंटरसेक्शन क्लियर है, जरा चेक करो, बी पे दो लाइनें आके इंटरसेक्ट कर रही हैं पर क्लियर नहीं है, मैं इसको प्लॉट नहीं कर पाऊंगा, प्लॉट करने में दिक्कत होगी, ये लोग और अनक्लियर हो गई है। तो प्लॉटिंग पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक ऐसा स्टेशन है जहां पर दो लाइनें आके इंटरसेक्ट कर रही हैं पर क्लियरली इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इसको मैं बोलूंगा ये वेल कंडीशन ट्राइंगल नहीं है। तो वेल कंडीशन ट्राइंगल में जितने भी स्टेशन होंगे वहां पर जितनी भी सर्वे लाइन्स होंगी आके इंटरसेक्ट करेंगी क्लियरली। अब आप बोलोगे सर क्लियरली का मतलब क्या है? क्लियरली का मतलब ये है कि उनके बीच का एंगल, उनके बीच का एंगल 30 से लेके 120 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो थीटा है, दिस थीटा शुड बी हाउ मच? दिस थीटा शुड बी 30 to 120 डिग्री। ये 30 से लेके 120 डिग्री होना चाहिए। अगर आइडियली पूछो, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वेल कंडीशन ट्राइंगल, क्योंकि वहां पे आपको सारे एंगल बराबर मिल जाएंगे, ऑल द एंगल्स विल बी इक्वल। पर सवाल पूछेगा तो हम बोलेंगे कि वेल कंडीशन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें जो एंगल हो, जिसमें एंगल हो दो लाइनों के बीच में, वो 30 से लेके 120 डिग्री के बीच में हो, ग्रेटर देन 30, लेस देन 120। ठीक है, सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। रेलवे लाइन, हाँ बिल्कुल सही बात है, रेलवे लाइन। स्टेशन क्लियर नहीं हुआ, कौन सा स्टेशन? टाई स्टेशन, टाई स्टेशन। मेन लाइन के ऊपर आपने जो भी स्टेशन लिया उसको टाई स्टेशन बोल देते हैं।
तो ये बोल रहा है आदित्य टाई स्टेशन क्लियर नहीं हुआ, तो जरा चेक करो, ये दो मेरे मेन स्टेशन है, ए और बी मेरे मेन स्टेशन है, देखो सारा इरेज करता हूँ, आई इरेज ऑल, इरेज ऑल, तो ए और बी मेरे मेन स्टेशन है, तो ए और बी मेन स्टेशन है, मेन स्टेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी, मेन लाइन कहलाएगी, मेन लाइन के ऊपर आप जो भी स्टेशन लो छोटा ए, इसको हम बोलते हैं टाई स्टेशन, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज टाई स्टेशन, तो ये होता है टाई स्टेशन, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है, कहाँ गया ये आदित्य, अरे भाई रेलवे लाइन डाल के फिर क्वेश्चन मार्क भी पूछ रहे हो, भाई कॉमन सेंस की बात है, हाँ रेलवे लाइन भी कैसा है, लीनियर कंस्ट्रक्शन वर्क है, ऑब्वियस ही बात है, फिर आप बोलोगे सर मैंने रनवे बनाया, क्या लीनियर कंस्ट्रक्शन वर्क है, हाँ रनवे भी लीनियर कंस्ट्रक्शन वर्क है, इट इज ऑल्सो लीनियर कंस्ट्रक्शन वर्क, तो उसमें भी चेंजेज आती है, देयर ऑल्सो चेंजेज इन मोड, टाई स्टेशन छोटा है, क्लियर, चले आदित्य आगे, सर्वे लाइन टाई लाइन होगी हमेशा, अरे सारी सर्वे लाइन है, सर्वे लाइन मेन सर्वे लाइन भी हो सकती है, सर्वे लाइन बेस लाइन भी हो सकती है, सर्वे लाइन हमारी टाई लाइन भी हो सकती है, सर्वे लाइन ऑफसेट भी हो सकता है, जितनी भी लाइनें आपने फील्ड में बनाई या मेजर करी वो सर्वे लाइन होती है, अलग अलग सर्वे लाइन मैंने आपको बताई, मेन सर्वे लाइन, बेस लाइन, टाई लाइन, ऑफसेट, ऑफसेट भी तो एक लाइन ही है, तो वो सर्वे लाइन है, ऑल दीज आर सर्वे लाइन, क्लियर हो गया, चलो इसका भी क्लियर हो गया, इसका भी क्लियर हो गया, तो आपका वेल कंडीशन ट्राइंगल भी कंप्लीट हुआ, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वेल कंडीशन ट्राइंगल, सबसे एप्रोप्रिएट वेल कंडीशन ट्राइंगल है, अब हम बात करेंगे किसकी, इक्विपमेंट यूज इन चेन सर्विंग, चेन सर्विंग में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, फिर से बहुत सारे इक्विपमेंट यूज होते हैं, एक एक करके सब उठाएंगे, सबसे पहला द फर्स्ट ऑफ द इक्विपमेंट यूज इन चेन सर्विंग इज सर्विंग चेन, सबसे पहला इक्विपमेंट जो यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विंग चेन बोलते हैं, क्या होती है सर्विंग चेन, इट इज यूज फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस वेयर हाई एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, तो आप सर्विंग चेन को डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करोगे जब एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट क्या हो, ज्यादा नहीं हो, नेक्स्ट सर्विंग चेन में क्या होगा, इट सर्विंग चेन कंसिस्ट ऑफ लार्ज लिंक्स, इसमें लार्ज लिंक्स मिलेंगे आपको विच आर मेड अप ऑफ व्हाट, गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील, इसमें आपको लार्ज लिंक्स मिलेंगे विच आर मेड अप ऑफ गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर जिसका डायमीटर 4 mm का होता है, डाया ऑफ विच इज 4 mm, आपकी जानकारी के लिए बता दिया, अब जब आपको फ्रैक्शनल रीडिंग लेनी है, लिंक्स तो बहुत सारे हैं, आपको फ्रैक्शनल रीडिंग उठानी है, जब आपको फ्रैक्शनल रीडिंग उठानी होती है चेन लेंथ की विदाउट एनी डिफिकल्टी, तो बीच में टैलीज या क्या लगाए जाते हैं, बीच में टैलीज या टैग्स लगाए जाते हैं जो ब्रास के होते हैं, जो आपको अलग से दिख जाएंगे, तो आपकी जो चेन है वो तो गैल्वेनाइज स्टील की है, बीच में जो टैलीज है वो किसकी लगी हुई होती है, वो लगी होती है ब्रास की, टैलीज को टैग भी बोल देते हो, पर्पस क्या होता है, पार्शियल लेंथ मेजर करना आपको, इसको फिक्स इंटरवल के बाद प्रोवाइड किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी चेन है 10 मीटर की, इसमें आपको नंबर ऑफ लिंक्स मिलेंगे, आपको मेजर करना है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ये 1-2 मीटर पढ़ने के लिए बीच में क्या लगाई जाती है, टैलीज लगाई जाती है, अब ये बात मैं आपको बोल के कितनी बता दूं, अभी डाउट आ गया होगा सर समझ में नहीं आया टैलीज क्या होती है, टैग्स क्या होते हैं, इस बात को समझने के लिए देखो डायग्राम, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, आपके सामने चेन खुली हुई है, तो रियल डायग्राम है चेन का, अरे पैग्स नहीं है बेटा, अभी से पैग लगाने लग गए, तो अभी तो 6:40 हुए पैग लगाने लग गए, अभी तो चेन आई है, चेन के बाद और भी इक्विपमेंट आएंगे, उन इक्विपमेंटों में एक इक्विपमेंट होगा पैग, शुरू में पैग लगाने लग गए तुम, चलो देखो ये आपके सामने चेन खुली हुई है, देखो चेन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लिंक्स, पहला लिंक, दूसरा लिंक, तीसरा लिंक, चौथा लिंक, पांचवा लिंक, छठा लिंक, अब खूब सारे लिंक है इसके अंदर, एन नंबर ऑफ लिंक्स आर देयर, अब लेट अस सपोज इसकी लंबाई है 10 मीटर, आपको बीच में 1-2-3 मीटर भी नापना है, कैसे नापोगे, देखो ये टैलीज लगी हुई है, ब्रास की होती है, देखो अगर एक टैली बनी हुई है मतलब 1 मीटर, देखो ये 2 बने हुए हैं 2 मीटर, 3 बने हुए हैं 3 मीटर, एंड सो ऑन, आगे और भी टैलीज होंगी, क्लियर है, पार्शियल लेंथ मेजरमेंट आ तो गया भैया, चेन जो है हमारी टोटल 10 मीटर की है, ये बोल रहा है पार्शियल मेजरमेंट का मतलब क्या है, जो मेरी चेन है, जो हमारी चेन है ये टोटल 10 मीटर की है, अब 10 मीटर की है, मेरे को फील्ड में मेजर करना है भैया 2 मीटर, अब इस चेन से 2 मीटर कैसे मेजर करूंगा, तो हर एक मीटर पे क्या लगी हुई है, इसमें टैली लगी हुई है, तो हर एक मीटर पे टैली लगी हुई है, तो आ गया 2 मीटर, ये दूसरी टैली जब खोलोगे तो 2 मीटर मेजर हो गया हमारा, एंगल 30 से 120 की रेंज में नहीं हो तो चेनिंग में क्या प्रॉब्लम आएगी, आप प्लॉट नहीं कर पाओगे उसको क्लियरली,
अगर आपका वेल कंडीशन ट्राइंगल नहीं है चेन सर्वे के अंदर, तो जब उसको प्लॉट करने बैठेंगे तो एरर आएगा उसके अंदर। ब्रास रिंग भी तो होती है सर, बिल्कुल रिंग भी होती है। तो मैंने कब बोला टैली ऐसे ही होती है, मैंने तो बस बोला ब्रास की टैली होती है। अब रिंग और ज्योमेट्री की तो बात करी नहीं हमने, वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट ज्योमेट्री। मैंने तो बस टैलीज दिखाई हैं इस पिक्चर के अंदर आपको, आई हैव शोन दी टैलीज इन दी पिक्चर। ज्योमेट्री कोई सी भी दो आप, ज्योमेट्री कर दिया मत है। नहीं सर बफरिंग क्यों कर रहा है बेटा, नेट वीक होगा इसलिए। सर्कुलर रिंग की डाया क्या होती है, चालू हो गई है। 5 मीटर लिंक कैसे दिखाता है टैलीज, 5 मीटर लिंक कैसे दिखाता है, तो 5 मीटर लिंक कैसे दिखाता है, ये लो ये 5 मीटर दिखा देगा आपको। 5 उंगलियां निकाल दो इसकी तो 5 दिखा देगा। एक उंगली निकली हुई है, ये देखो एक उंगली जो करने गया था तुम्हें, तो इसका मतलब 1 मीटर। 2 उंगली 2 मीटर, 3 उंगली 3 मीटर, 5 उंगली निकाल रखी है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर राइट्स PSU, आई हैव सिलेबस बट आई नीड टू डिस्कस विद यू, देयर इज एनी पॉसिबल। टेलीग्राम पे मैसेज शेयर दी, मैसेज ऑन टेलीग्राम। सर आप जैसे ही बोर्ड पर लिखते हो तो वीडियो स्लो हो जाती है और बफर टाइप हो जाता है। हाँ नेट वीक है भाई, वो हो जाएगा ठीक सारा। आज मुश्किल से तो चालू की रही क्लास मैंने, इन चीज़ों को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, कल परफेक्ट हो जाएगा सब कुछ आपका। देखो यहाँ पर भी कोई उंगली आई होगी, कोई नहीं है। अरे बहुत बढ़िया, चलो तो पहला इक्विपमेंट जो यूज होता है चेन सर्विंग में वो क्या है। The first of the equipment used in chain surveying is what? The first of the equipment used in chain surveying is known as surveying chain. Clear है चीज? Surveying chain का diagram दिखा दिया, surveying chain का purpose बता दिया। अब अलग अलग type of surveying chain होती है। There are different types of surveying chain और इसके ऊपर सवाल आता है। You will find a problem on this. तो अब मेरे लिखने से issue हो रहा है, मैं लिखूंगा नहीं अब board के ऊपर, सिर्फ बोलता हूँ। तो there are several types of chains which are available. तो directly objective आते हैं इसके ऊपर। पहली chain है gunter chain. अब gunter chain कितनी लंबी होती है? 66 feet लंबी होती है। कितने लिंक होते हैं इसके अंदर? 100 लिंक होते हैं, तो ये ध्यान रखना आपको। तो गंटर चेन इज 66 फीट लॉन्ग, 100 लिंक्स विल बी देयर। इंजीनियरिंग चेन इज 100 फीट लॉन्ग, 100 लिंक्स विल बी देयर, तो एक लिंक 1 फीट का हो गया। मीट्रिक चेन 30 मीटर की भी हो सकती है, 20 मीटर की भी हो सकती है। 30 मीटर की होगी तो 150 लिंक और 20 मीटर की होगी तो 100 लिंक। तो ये आपको चेनों की जानकारी दे दी है, तीन तरह की चेन। तो पहला इक्विपमेंट जो यूज होता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वेइंग चेन। चेन हमारे तीन टाइप की है। अब कुछ और जानकारी दी आपको, जैसे एग्जाम्पल 1 माइल में कितने गंटर चेन होंगे? 1 माइल में 80 गंटर चेन होंगे, तो डायरेक्टली कन्वर्जन दे रखी है आपको। इन 1 माइल देर विल बी 80 गंटर चेन। 1 एकड़ इज इक्वल टू 10 गंटर चेन का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट कन्वर्जन इज गिवन टू यू। फिर से डायरेक्टली कन्वर्जन दे दिया। नेक्स्ट हमारा कोड क्या बोलता है? हमारा कोड बोलता है दैट इज एज पर IS स्पेसिफिकेशन एवरी मीटर लेंथ ऑफ द चेन शुड बी इंडिविजुअली एक्यूरेट Within plus minus 2 mm. तो समझने का मतलब क्या है? अगर मेरी चेन 10 मीटर लंबी है, तो चेन इज 10 मीटर लॉन्ग, लिखाई नहीं जा रहा। तो हर एक मीटर की अगर मैं लंबाई नापू, तो अगर हर मैं 1 मीटर की लंबाई नापू, इसमें एरर कितना हो सकता है? इसमें एरर प्लस माइनस 2 mm का हो सकता है। तो अगर आपकी चेन की एक्यूरेसी मेजर करनी है आपको, तो आप क्या ध्यान रखोगे? चेन का जो हर 1 मीटर लेंथ है वो प्लस माइनस 2 mm की एक्यूरेसी में होना चाहिए। व्हेन मेजर्ड अंडर अ टेंशन ऑफ 80 न्यूटन, जब आप चेन के ऊपर कितनी टेंशन लगाओ 80 न्यूटन की टेंशन लगाओ। व्हेन यू अप्लाई द टेंशन ऑफ 80 न्यूटन ऑन द चेन, तो ये हमारी स्पेसिफिकेशन है। दिस इज द स्पेसिफिकेशन, क्लियर है? नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन क्या है? The overall length of the chain should be within the following limits. जो overall length है वो किसके अंदर होनी चाहिए? जो overall length है, let's suppose आपकी 20 meter की chain है। अगर आपकी 20 meter की chain है तो 20 plus minus 5 mm. अगर 30 meter की chain है तो 30 plus minus 8 mm. मैं फिर से repeat कर रहा हूँ। अगर मेरी chain 20 meter की है, पहली condition, हर 1 meter में कितना error permitted है? Plus minus 2 mm का। पर total length की अगर बात करूँ, प्लस माइनस 5 mm का ही एरर परमिटेड है। अगर मेरी चेन 30 मीटर लंबी है, हर 1 मीटर में कितना एरर परमिटेड है एज पर अवर कोड? प्लस माइनस 2 mm। पर अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं, 30 मीटर में एरर कितना परमिटेड है? प्लस माइनस 8 mm। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना होता है थोड़ा, आप साइड में हो जाइए प्लीज।
लो भाई साइड में हो जाओ। स्क्रीनशॉट लेना है, किसी को लाल चाहिए, किसी को सफेद चाहिए, सबकी अलग अलग फरमाइशें। लो भैया स्क्रीनशॉट लो फटाफट। नोट कर लिया? Has it been noted? चले आगे। सर अगर फोर्स चेंज हो जाएगा तो एरर भी चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा, पर हमारे कोड के हिसाब से तो फोर्स आपको 80 न्यूटन ही रखना है। हमारे फोर्स के हिसाब से तो आपको, हमारे कोड के हिसाब से फोर्स कितना रखना है आपको? 80 न्यूटन ही रखना है। पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात है, पीडीएफ मिल जाएगा अपने फ्लो में। ठीक है, फ्लो में पढ़ा रहा हूँ यार, बीच बीच में कमेंट भी तो करते हैं तो उसको भी देखना पड़ता है मेरे को। आई हैव टू चेक दैट ऑल्सो। और दूसरा कमेंट मेरे को सामने नहीं दिख रहे, अब मेरे को कमेंट पीछे देखने पड़ रहा है। रेवेन्यू चेंज जो होती है वो 33 फीट लंबी होती है। पूछ रहा है कोई रेवेन्यू चेंज क्या होती है? रेवेन्यू चेंज भी आप लिख सकते हो, रेवेन्यू चेंज इज 33 फीट लॉन्ग। तो बीच में मैं मेंशन कर सकता हूँ रेवेन्यू चेंज को। तो रेवेन्यू चेंज इरेज करो, इरेज ऑल, लो लिख दो रेवेन्यू चेंज। तो रेवेन्यू चेंज जो होती है वो 33 फीट लंबी होती है, इट इज 33 फीट लॉन्ग। कौन यूज करता है इसको? रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। तो कोई पूछ रहा था सर रेवेन्यू चेंज कहाँ यूज होती है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। इसमें 16 लिंक होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 16 लिंक्स। लिंक्स की अगर बात करोगे, इट कंसिस्ट ऑफ 16 लिंक। क्लियर है? सारी चीजें निकलवा लोगों का, फ्री में पढ़ना है पर सब कुछ पढ़ना है, हर एक चीज पूछ लेनी है। लो कि रेवेन्यू चेन क्या होती है, लंबाई कितनी होती है, लिंक कितनी होती है, कौन यूज करता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया यूज करता है। चलने दो भाई, आगे चलो, शैल आई कैरी फॉरवर्ड। चलो पहला इक्विपमेंट क्या था हमारा चेन सर्वेइंग में? पहला इक्विपमेंट हमारा चेन सर्वेइंग में था चेन। दूसरा इक्विपमेंट क्या है? दूसरा इक्विपमेंट हमारा चेन सर्वेइंग में है टेप। अब टेप क्या है? टेप आर सेम एज दैट ऑफ चेन, बस फर्क यह है दे आर इजी टू हैंडल, दे आर मोर प्रिसाइज देन चेन। इनकी जो प्रिसीजन होती है वो चेन के कंपेरिजन में ज्यादा होती है। डिपेंडिंग अपॉन द मटीरियल यूज इन दीज टेप्स दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। पहली चीज, टेप चेन की तरह ही होती है। सेकेंड, इनको हैंडल करना आसान होता है, चेन बहुत भारी होती है, टेप हल्की होती है, तो इनकी हैंडलिंग बहुत आसान होती है। कभी फील्ड में अगर काम करोगे, चेन उठाते उठाते थक जाओगे, काम पूरा नहीं करोगे, बीच में भाग के आ जाओगे या काम चोरी करोगे, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप टेप यूज कर सकते हो, बहुत ही हल्की है, इजी टू हैंडल है। दूसरा, ये प्रिसाइज भी होती है, किसके कंपैरिजन में? चेन के कंपैरिजन में। सेकंड, जैसा मटेरियल आपने यूज किया उस हिसाब से अलग अलग टाइप की टेप भी है हमारे पास। अब कौन कौन सी टेप है हमारे पास, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेप? देखो, द फर्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ टेप इज नोन एज लिनन टेप। नाम में लिखा हुआ है, कपड़े की बनी हुई है। द फर्स्ट टाइप ऑफ टेप इज नोन एज व्हाट? पहली जो टेप है हमारे पास इज नोन एज लिनन टेप, इसको क्लॉथ की टेप भी बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ सिंथेटिक मटीरियल दैट इज लिनन। इसकी जो लेंथ होती है 10 से 20 मीटर लंबी होती है, इसकी जो विड्थ होती है वो 12 से 15 एमएम होती है। पर इसमें दिक्कत क्या है, जैसे ही मॉइस्चर की प्रेजेंस में आती है श्रिंक हो जाती है, तो जो लिनन की टेप है इट श्रिंक्स इन द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर। दूसरा, इसमें ट्विस्टिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो फायदा भी है नुकसान भी है। तो सिंथेटिक मटीरियल की बनी हुई है, अपने हिसाब से बना सकते हो, 10 से 30 मीटर लंबी होती है, विड्थ 12 से 15 एमएम होती है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में श्रिंक कर जाएगी, और जब मेजरमेंट लोगे तो ट्विस्ट करने के चांसेस रहते हैं उसमें। दूसरी हमारी मेटेलिक टेप। मेटेलिक टेप क्या है? मेटेलिक टेप लिनन की टेप ही है, पर इसको आपने रीइन्फोर्स कर रखा है किससे? ब्रास या कॉपर की वायर से। जैसे आप कंक्रीट की रीइन्फोर्समेंट कर देते हो स्टील से, वैसे लिनन की रीइन्फोर्समेंट कर रखी है हमने ब्रास या कॉपर की वायर से, इसको हम मेटेलिक टेप बोल देते हैं। इसकी जो एक्यूरेसी है वो लिनन की टेप से भी क्या है, ज्यादा है। द एक्यूरेसी ऑफ दिस मेटेलिक टेप इज मोर देन दैट ऑफ द लिनन टेप। क्लियर है? स्ट्रेचिंग भी हो सकती है, मॉइस्चर की प्रेजेंस बनी, ज्यादा खींचोगे तो स्ट्रेचिंग हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर कैसी है टेप दिखने में? आपके सामने दोनों पिक्चर लगी हुई है।
द फर्स्ट ऑफ द टेप इज व्हाट, पहली जो टेप है वो हमारी लिनन की टेप है और दूसरी जो टेप है हमारी वो मेटेलिक टेप है. सो लिनन टेप, मेटेलिक टेप, दोनों की पिक्चर बना के दिखा रखी है आपको. रियल पिक्चर ऑफ बोथ द टेप्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. क्लियर है? चले आगे. भाई पीछे पे चल रहे हो तुम वीडियो. चलो अगली टेप उठाते हैं. द नेक्स्ट ऑफ द टेप अवेलेबल इज स्टील टेप. अगली जो टेप अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं स्टील टेप. अब स्टील टेप क्या है? इट इज मोर एक्यूरेट देन मेटेलिक टेप. तो मेटेलिक टेप लिनन टेप से ज्यादा एक्यूरेट, स्टील टेप मेटेलिक टेप से ज्यादा एक्यूरेट. इसकी जो लेंथ होती है 1 से 50 मीटर के बीच में होती है. इसकी जो विड्थ है वो 6 से लेकर 10 mm के बीच में होती है. अब क्योंकि मेटेलिक है, इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर ऑल्सो मॉइस्चर ऑल्सो. टेम्परेचर से एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन की दिक्कत, मॉइस्चर से करोजन की दिक्कत. तो ये टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों से अफेक्ट होती है स्टील की टेप. अगर अब इसको भी मॉडिफाई करना है मुझे, इस एरर को भी एलिमिनेट करना है, इस ड्रॉबैक को भी एलिमिनेट करना है, आप इनवार की टेप यूज कर सकते हो. और इनवार मैंने आपको बीएमसी में पढ़ा रखा है. वहां पे मटेरियल आते हैं मेटेलिक मटेरियल्स. इनवार अलॉय है हमारा स्टील का, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है, कम है. तो इनवार टेप इज मेड अप ऑफ इनवार. इनवार क्या है? निकल का और स्टील का अलॉय होता है. सो इट इज अलॉय ऑफ निकल एंड स्टील. स्टील कितना है इसके अंदर? 64%. निकल कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 36%. इसकी प्रिसीजन बहुत ज्यादा होती है. इसमें जो अफेक्टेड टेम्परेचर का बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम है. कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 0.122 × 10⁻⁶ वैल्यू भी बता दिया आपको. ये सॉफ्ट होती है और आसानी से डिफॉर्म कर जाती है. सो इट इज सॉफ्ट एंड डिफॉर्म इजिली. तो पहली हो गई हमारी लिनन की टेप, कपड़े की टेप, दूसरी हो गई मेटेलिक टेप, तीसरी हो गई स्टील की टेप, चौथी हो गई इनवार की टेप. दो फोटो दिखा दी थी आपको, दो फोटो में और देख लो इसकी. तो ये हमारी कौन सी टेप है? स्टील की टेप है. ये हमारी किसकी टेप है? इनवार की टेप है. तो रियल पिक्चर भी है आपके सामने. रियल पिक्चर आर ऑल्सो अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू. लो भैया स्नैपशॉट ले लो, जिसको भी लेना है स्नैपशॉट. इसमें से मोस्ट एक्यूरेट इनवार की टेप है. बेस लाइन की मेजरमेंट, बेटा किसी भी लाइन की मेजरमेंट कर सकते हो इनवार टेप से. अब ऐसा थोड़ी है दो दो टेप लेके जाऊंगा वहां पे, एक इनवार की टेप भी लेके जा रहा हूँ, एक लिनन की टेप भी लेके जा रहा हूँ. तो मेरे को ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि जब मैं इनवार की टेप लेके जा रहा हूँ सर्वेइंग करने के लिए, तो इनवार की टेप से सारी मेजरमेंट करूंगा ना. ऐसा तो है नहीं कि जब बेस लाइन की मेजरमेंट करनी है तो इनवार की टेप निकाली जेब में से, और फिर जब मेरे को टाई लाइन की मेजरमेंट करनी है तो लिनन की टेप निकाल ली बीच में से. तो ऐसा कैसे? मतलब अगर इनवार की टेप लेके जाऊंगा तो इनवार से ही मेजरमेंट करूंगा सबकी. तो ये तो प्रैक्टिकल बात हुई. मेजरमेंट आप इनवार टेप से किसी की भी करो, यू कैन मेजर एनी लाइन विद द हेल्प ऑफ द इनवार टेप. बेस लाइन ही क्यों मेजर करेंगे हम? व्हाई ओनली बेस लाइन? तो पहला इक्विपमेंट क्या था हमारा? द फर्स्ट ऑफ द इक्विपमेंट वॉज चेन, द सेकंड ऑफ द इक्विपमेंट वॉज टेप. दूसरी इक्विपमेंट हमारी टेप है. आगे चलते हैं. द नेक्स्ट ऑफ द इक्विपमेंट इज, अगला जो इक्विपमेंट है इज पेग. The next of the equipment which is being used is termed as peg. A peg क्या होते हैं? Peg are used at definite points on the ground. तो pegs are used on the definite points on the ground for which the measurements are to be taken or instrument is to be set. तो peg आप किसी एक definite point पे लगाते हो ground के ऊपर जहां से आपको measurement लेनी है या जहां पर आपको instrument लगाना है. अब किससे बना हुआ होता है peg? Wood का बना हुआ होता है peg. So it is made up of wood. अभी picture दिखा दूंगा आपको. I'll show you the picture. तो पैग किसी डेफिनेट पॉइंट को मार्क करने के लिए हम यूज करते हैं ग्राउंड के ऊपर. जैसे एग्जांपल आप तो फोटो देखो ना, मैं तो वैसे ही आपको बता रहा हूँ. तो ये हमारे पैग्स हैं. सो दीज आर अवर पैग्स. फिर से रियल पिक्चर भी है, लाइन डायग्राम भी है, और फील्ड में इसकी एप्लीकेशन भी दिखा रखी है. तो तीनों चीजें दिख रही हैं आपको, और क्या चाहिए. ये इसकी रियल पिक्चर है, ये इसकी लाइन डायग्राम है, और ये पैग को हमने कहाँ लगा रखा है? ये पैग को हमने लगा रखा है फील्ड में. तो दिख रहा है वो थोड़ा मार रहा है पैग के ऊपर. तो पैग्स आर यूज फॉर मार्किंग द डेफिनेट पॉइंट्स ऑन द फील्ड. अच्छा अगला इक्विपमेंट क्या है? नेक्स्ट ऑफ द इक्विपमेंट व्हिच इज बीइंग यूज्ड इन सर्वेइंग इज, नेक्स्ट ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड इज नोन एज एरो. तो चेन, टेप, पैग, एरो. अब एरो क्या है? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज एरो? व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द लॉन्ग लाइन,
जब आप लॉन्ग लाइन की लेंथ मेजर कर रहे हो चेन और टेप की मदद से, आपको चेन को बार बार ले करना पड़ेगा। तो आपकी चेन की लेंथ है 20 मीटर, आपको मेजर करना है 100 मीटर, तो अब मुझे चेन कितनी बार ले करनी पड़ेगी? चेन ले करनी पड़ेगी 5 बार। अब जब एक बार चेन खत्म हो गई, जिस पॉइंट पे आके चेन खत्म हुई वहां पे हम एरो डाल देते हैं, विल इंसर्ट द एरो इनटू द ग्राउंड और चेन को वापस बंडल अप करते हैं, आगे जाते हैं वापस। तो जो एरो होता है वो आपको ये बताता है कि यहां पर आके पहली चेन लेंथ खत्म हुई है। तो किसी भी पोजीशन को मार्क करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? एरो को यूज करते हैं। तो व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द लॉन्ग लाइन द चेन और टेप इज टू बी लेड नंबर ऑफ टाइम्स एंड द पोजीशन ऑफ द एंड इज मार्क्ड विद द हेल्प ऑफ द एरोस। तो एरोस की मदद से मार्क करते हैं। कैसे होते हैं एरो देख लो फिर से रियल पिक्चर। तो ये इसकी लाइन डायग्राम है, ये इसकी रियल पिक्चर है एरो की। सो लाइन डायग्राम इज ऑल्सो शोन और बगल में एरो भी लगा रखे। कॉलेज में किया था, बिल्कुल सही बात है, कॉलेज में किया था। पैक के ऊपर वाला डायग्राम टॉप व्यू है ना सर? पैक का ऊपर वाला डायग्राम टॉप व्यू है। कौन सा पैक में? तो कोई टॉप व्यू दिखाया नहीं मैंने आपको। पहला वाला डायग्राम आइसोमेट्रिक व्यू था, दूसरा वाला डायग्राम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन था, तीसरा वाला डायग्राम भी आइसोमेट्रिक व्यू था, थर्ड डायग्राम वाज आल्सो आइसोमेट्रिक व्यू। तो चेन हो गई, टेप हो गई, पैक हो गया, एरो हो गया। अगला इक्विपमेंट चेन सर्विंग में इज रेंजिंग रॉड। द नेक्स्ट ऑफ द इक्विपमेंट यूज इज नोन एज रेंजिंग रॉड। अब रेंजिंग रॉड क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लॉन्ग सर्वे लाइन इज टर्म्ड एज रेंजिंग। वो प्रोसेस जिसमें आप लॉन्ग सर्वे लाइन के लॉन्ग किसको प्लॉट करो, नंबर ऑफ पॉइंट्स को प्लॉट करो, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं रेंजिंग। सो द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लॉन्ग सर्वे लाइन विल बी नोन एज रेंजिंग। दीज रॉड्स आर यूज्ड एज इंटरमीडिएट पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स की तरह यूज करते हैं। सो दीज रॉड्स आर यूज्ड एज इंटरमीडिएट पॉइंट्स सच दैट दीज पॉइंट्स लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द एंड स्टेशन। एंड स्टेशन को ज्वाइन करने के लिए, अब ध्यान रखना यहाँ पे चेन और टेप खत्म नहीं हुई है, जहां चेन और टेप खत्म हुई थी आपने एरो यूज किए थे, पर मेरे सर्वे के अंदर जहां पर आपके आपके स्टेशन आ गए, ए से बी पे गया, बी पे पहुंच गया, क्या इंसर्ट कर देंगे हम? रेंजिंग रॉड को इंसर्ट कर देंगे। इसकी लंबाई 2 से 3 मीटर के बीच में होती है, डायमीटर 30 mm के आसपास होता है। इसको ऑल्टरनेटली पेंट किया जाता है, कैसे? व्हाइट बैंड होता है, फिर रेड और ब्लैक बैंड होता है। पहले व्हाइट बैंड आएगा, फिर रेड या ब्लैक बैंड आएगा 200 mm लेंथ का। इस बात को समझने के लिए फिर से डायग्राम देखते हैं। ये हमारी रेंजिंग रॉड है। सो दिस इज अवर रेंजिंग रॉड। तो देखो व्हाइट बैंड है, फिर ब्लैक बैंड है, फिर व्हाइट बैंड है, फिर ब्लैक बैंड है, फिर व्हाइट बैंड है और ब्लैक बैंड है। लंबाई कितनी है? 2 से 3 मीटर है। डायमीटर 30 mm है, दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने आपको भूल के बता दिया यहाँ पे, हैंस आई हैव टोल्ड इट। जो पेंट किया है आपने वो 200 mm की लंबाई में पेंट कर रखा है। ये डायमेंशन याद रखनी पड़ेंगे, बिल्कुल पेपर के लिए सब कुछ याद रखना है बेटा। या पेपर दोगे तो सब कुछ याद रखोगे ना? मेरा शौक थोड़ी है बताना कि मैं इतनी मेहनत करके सारी जानकारी आपको दे रहा हूं। ठीक है, चले आगे। चलो यहां पर भी डाउट क्लियर कर दिया। हियर ऑल्सो डाउट इज क्लियर। सर एक्यूरेसी ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेटर देन प्रिज्म स्क्वायर। बेटा ये होता क्या है ऑप्टिकल स्क्वायर और प्रिज्म स्क्वायर? मैं तो अभी किसकी बात करी अभी तक? मैंने अभी तक चेन बताई है, मैंने अभी तक टेप बताई है, मैंने अभी तक पैक बताए हैं, मैंने अभी तक एरो बताए हैं और मैंने आपको रेंजिंग रॉड बताई है। ये मेरे को पता ही नहीं है ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है, प्रिज्म स्क्वायर क्या होता है। एक्यूरेसी तो बहुत दूर की बात है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि एक्यूरेसी ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेटर देन दैट ऑफ प्रिज्म स्क्वायर। किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है मैं आपको ही बताता हूँ। आप जरा मुझे बताओ कि प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर अगर मुझे लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन को परफेक्टली परपेंडिकुलर करना है वर्टिकल लाइन से, तो उसके लिए मुझे ना कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा? तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्यूरेसी ऑप्टिकल स्क्वायर की बेटर है या प्रिज्म स्क्वायर की बेटर है। तो आपको तो बस यही जानना है ना।
तो बताओ प्लेन टेबल सर्विंग में जो मेरी लाइन ऑफ कॉलिमेशन है मुझे उसको परपेंडिकुलर करना है वर्टिकल लाइन के लिए, तो इसके लिए मुझे कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा? तो फिर मैं आपको बताता हूँ कौन ज्यादा एक्यूरेट है, विच इज मोर एक्यूरेट। जल्दी बताओ विच टेस्ट शुड बी परफॉर्म, फिर मैं एक्यूरेसी बताता हूँ दोनों की। चलो आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। तो हम बात कर रहे थे किसकी, वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट, स्पायर टेस्ट। वाह, मैं थियोडोलाइट के अंदर बात नहीं कर रहा हूँ, प्लेन टेबल की बात कर रहा हूँ। विच एक्यूरेसी इज मोर बिटवीन चेन एंड टेप, बेटा ये तो पीछे बता दिया था। अब देखो ये बात समझ में आती है, सैम ने पूछा कि चेन और टेप में से कौन ज्यादा एक्यूरेट है। अब सारी चीजें बताता भी जा रहा हूँ और बोर्ड पे लिखी भी हुई है, और मेरे हिसाब से ये पॉइंट तो साफ साफ लिखा हुआ था कि भैया टेप ज्यादा एक्यूरेट होती है चेन से। देखो दीज आर इजी टू हैंडल एंड मोर प्रिसाइज देन चेन, तो जो बात बताई है वही समझ में नहीं आती, जो बात नहीं बताई है उसको कैसे समझने की इच्छा रखते हो आप। देखो पीछे बता के आया हूं मैं, देखो मतलब कितने तरह के बच्चे हैं। अब मैं कैसे सबको खुश रखूं, एक है जिसको बताने के बाद भी समझ में नहीं आता, एक ऐसा है जिसको नहीं बताया उस वो समझना है, तो ये सारी जनता को कैसे केटर किया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, तो हम बात कर रहे थे टेप की, टेप हो गया, एरोज हो गया, रेंजिंग रॉड हो गया, रेंजिंग रॉड की फोटो भी दिखा दी। चलो नेक्स्ट ऑफ द रॉड, तो अगली जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, द नेक्स्ट ऑफ द इक्विपमेंट व्हिच इज यूज्ड इज नोन एज ऑफसेट रॉड। पीछे बताया था ऑफसेट, ऑफसेट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी फ्रॉम द सर्वे लाइन इज नोन एज ऑफसेट, ये ऑब्लिक भी हो सकता है, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो ऑफसेट रॉड इज सिमिलर टू दैट ऑफ द रेंजिंग रॉड, ऑफसेट रॉड रेंजिंग रॉड की तरह ही होती है, विद द ओनली डिफरेंस दैट दे आर बीइंग प्रोवाइडेड विद द हुक और ओपनिंग एट द टॉप। जो ऑफसेट रॉड होती है रेंजिंग रॉड की तरह ही होती है, बस इसके टॉप पे क्या प्रोवाइड कर देते हैं, या तो एक हुक दे देते हैं या ओपनिंग दे देते हैं। एंड टू नैरो वर्टिकल स्लॉट्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर आर बीइंग प्रोवाइडेड एट द आई लेवल। आई लेवल पे आपको दो स्लॉट्स मिल जाएंगे इसके अंदर, ऑफसेट रॉड के अंदर तो दो स्लॉट मिलेंगे 90 डिग्री के एंगल पे। क्या करते हैं ऑफसेट रॉड को, इट इज यूज्ड टू अलाइन द ऑफसेट लाइन, ऑफसेट लाइन बनाने के लिए हम ऑफसेट रॉड को यूज करते हैं। तो ऑफसेट रॉड रेंजिंग रॉड की तरह ही होती है, फर्क बस ये होता है टॉप पे एक हुक होता है और दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसमें ओपनिंग दे दी जाती है, ताकि आप इसकी मदद से क्या कर सको, ऑफसेट मार्क कर सको सर्वे एरिया के अंदर। इसको भी समझने के लिए टू अंडरस्टैंड दिस उठा लो, ये आपकी ऑफसेट रॉड है, दिस इज द ऑफसेट रॉड, ये हुक प्रोवाइड कर रखा है, दिस इज द हुक और ओपनिंग व्हिच इज बीइंग प्रोवाइडेड। तो सेम रेंजिंग रॉड की तरह ही होती है। यहाँ पर भी कमेंट आए होंगे कुछ, देख लो भाई। सर इनवायर की टेप मोस्टली कहाँ यूज करते हैं, सर्वेइंग में। सारी टेप कहाँ यूज करते हो, सर्वेइंग में। अब आप ये बोलोगे कि सर कार कहाँ पर यूज करते हैं मोस्टली, भाई चलने के लिए यूज करते हैं कार। अब कार भाग भाग की कार होती है, जहाँ मर्जी यूज करो। इनवायर टेप वहां यूज करते हैं जहाँ एक्यूरेसी ज्यादा होती है, होती नहीं है, जहाँ ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए। तो इनवायर टेप वहां यूज करते हैं जहाँ ज्यादा एक्यूरेसी नहीं होती, जहाँ एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए वहां पर इनवायर टेप यूज करनी है। There we have to use the inward tape. तो उल्टा बोल रहे हो। Measure the baseline. ये baseline measure करने आ गया वापस। कहां से baseline में आ गया वापस भाई? क्या बोल रहा है? Metric chain. एक जना पूछ रहा है metric chain की unit क्या होती है? Meters. तो metric chain की unit क्या होती है? Meter होती है। जैसे बताया ना 20 meter, 30 meter की metric chain है, तो units are meter only. हुक का काम होता है स्ट्रेट चेन भी, हाँ हुक का काम वही होता है कि चेन आपकी स्ट्रेट रहे। The purpose of the hook is that your chain or tape is straight, वो बिल्कुल सीधी हो। This is the purpose of the hook. ये purpose निकल के आता है हमारे हुक का। इसमें ग्रूव दिया जाता है, टेलीज लगाते हैं, नॉच भी बोला जाता है इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल नॉच भी बोल सकते हो। 5 meter 10 meter की भी होती है। हाँ मेट्रिक चेन 5 meter की भी हो सकती है, 10 meter की भी हो सकती है। कोई बोल रहा है मीट्रिक चेन 5 meter की भी हो सकती है, 10 meter की भी हो सकती है, 20 meter की भी हो सकती है, 30 meter की भी हो सकती है, सारे अवेलेबल है। मोस्टली जो यूज होती है वो 20 meter की यूज होती है। आप 5, 10, 20, 30 सबको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बेस लाइन इज मेजर्ड विद हाई एक्यूरेसी, इनवायर टेप इज यूज, ठीक है।
सर की मत बिगाड़ो पढ़ लो। चलो ठीक है, हो गया, पढ़ने दो। तो डाउट आ गया सर, किसी ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसलिए बेचारे बार बार इसलिए इनवर्ट टेप बोल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए सफिशिएंट है आज के लिए, बाकी कंटिन्यू करते हैं कल की क्लास में।